और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जिन्स इन ब्लैक मैजिक बड़ा अजीब सा नाम लगता है बड़ा अजीब सा नाम लगता है ये अल्फाज सुनकर के जब भी हम इस तरीके के अल्फाज सुनते हैं जिन्स जादू जन्नत या फिर बद या फिर कोई तावीज़ या फिर कोई रूह इस तरीके के जब भी हम अल्फाज सुनते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत हमें डर लगने लगता है एक हमारे माइंड के अंदर एक एक फियर बैठा हुआ है क्योंकि हमने ऐसी डिपिक्शन देखी हैं इन अल्फाजों को लेकर ऐसे हमने मामलात को देखा है ऐसे हमने सिनेरियोस को देखा और ऐसी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है गलत नॉलेज वो रिसोर्स हमने ऐसी रिसोर्स जहाँ से हमें नॉलेज हासिल नहीं करनी चाहिए थी ऐसी जगह जहां पे हमें नहीं जाना चाहिए था ऐसे दरवाज़े जो हमें नहीं खटखटाने चाहिए थे हम उन दरवाज़ों को खोल देते हैं हम उन जगह से नॉलेज ले लेते हैं इसकी वजह से गलत इल मिलने की वजह से हम बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कोई भी चीज़ जो एक रूहानी एतबार से ताल्लुक़ रखती है अगर हमें कोई बुरा ख्वाब आ जाए या हमारी फैमिली मेंबर के साथ कुछ बुरा हो जाए वो थोड़ी सी अनयूजल सी मामला उसके साथ होने स्टार्ट हो जाए या अगर घर के अंदर हमें फ़ील हो जाए कि हमने कोई चीज़ देखी या हमारी बॉडी के साथ कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट हो जाए या बहुत एक्सट्रीम लेवल के वसवसे आ जाए डॉक्टर्स को चेक करा लेते हैं हमने बहुत टेस्ट करा लिए लेकिन आंसर्स नहीं मिलते रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर हमारा माइंड हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद हमारे साथ कोई रूहानी मसला हो गया है या शायद हमारे साथ कोई जन्ाती मसला हो गया या शायद किसी ने हमें जादू कर दिया या शायद हमारे कारोबार में या रिश्तों में बंदिश हो गई या शायद हमारे साथ किसी ने हसद और बुगस के अंदर हम पर तावीज़ात कर दिया जादू कर दिया तो हम एक लूप में फंस जाते हैं और फंसते चले जाते हैं फिर किसी के पास चेक कराने जा रहे हैं वो बोलते हैं आप पे काला जादू है किसी कोई बोलता है आपकी वालदा पे जादू हो गया कोई बोलता है बचपन से आपके ऊपर कुछ किया हुआ है कोई बोलता है आपके पीछे शैतानी ताकतें लगी हुई हैं कोई कहता है कि नजर है कोई कहता है ये है वो है क्योंकि डॉक्टर्स को चेक करा के तो हम थक चुके और डॉक्टर्स के पास जा जाके और सट्रिस के पास जा जाके मेडिसिन ले लेके हम इलाज करवा के थक चुके हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता हमें जवाब नहीं मिलते या फिर ये फील्ड जो है बहुत ज्यादा एक मिस्ट्री रहती है हमारे माइंड में क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप एक ऐसी मखलूक के बारे में बात कर रहे हैं जो है तो हमारे ईमान का हिस्सा है तो हमारे दीन का हिस्सा अल्लाह ताला ने कुरान में उसके बारे में ज़िक्र तो किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित भी है बहुत सारी हमने चीज़ें इसके बारे में पढ़ी हैं लेकिन जब बात होती है इंसान और जन्ात के रिलेशनस की जब बात होती है उसकी हमारी दुनिया के अंदर रहते हुए जब बात होती है कि उसकी इंटरफेरेंस या उसकी मुदाखलत हमारी लाइफ के अंदर वहाँ हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अल मिदराल इंस्टीट्यूट ने ये कोर्स जो डिज़ाइन किया है एंड ब्लैक मैजिक जिसमें मैं एक लीड इंस्ट्रक्टर हूँ इन मैं उसमें आपको पढ़ाऊँगा ये कोर्स डिज़ाइन करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप लोगों को बताया जाए वो हकीकतें वो सच्चाइयाँ जो हमेशा से हमारी जिंदगी के अंदर एक कन्फ्यूजन का शिकार रहती थी क्या वाकई जिन्नात होते हैं नहीं होते क्या वाकई इनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे साथ कोई जिन्नाती मसला हो जाएगा क्या वाकई अगर किसी इंसान के ऊपर जिन आ जाए तो उसका इलाज करना नामुमकिन है क्या वाकई जिन्नात के अंदर कोई ऐसी ताकत है कि हम उनको देख सकते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया इनके बारे में बहुत ज़्यादा फरमाया और अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि यराकुम इन्ह मिन हैथु हो मैं वो तुम्हें ऐसी जगह से देख रहे होते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते और नबी वसल्लम यह हदीस हमें पता है कि वॉशरूम जाते हुए हमने दुआ पढ़नी है और सारी प्रिकॉशंस देखिए याद रखिएगा अगर अल्लाह तखलूक पैदा की है जो इंसान की दुश्मन है जो इंसान को तकलीफ पहुंचाती है जो इंसान को तकलीफ में मुबिला करती है परेशानी में मुबतला कर देती है उसके साथ अनयूजअल चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो अल्लाह ताला ने उसका इलाज भी उतारा है अल्लाह ताला ने उसका तरीक़ार भी उतारा है फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस इलाज को तलाश करने से कासिर रहे फ़र्क सिर्फ इतना है कोई आया नहीं हमें बताने की ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है कोई आया नहीं हमें बताने कि ये शर् तरीका है और इस तरह इलाज करके आपको शिफा मिल सकती है कोई आया नहीं हमारे पास उस चीज की आगाही देने हम इंतजार करते रहे बरसों जिंदगी गुजर गई तकलीफों का हल हम तलाश तो करना चाहते थे लेकिन हम डरते थे क्योंकि हमने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी है इलाज के अंदर कि हम किसी और के पास इलाज कराने गए उसने हमारा पैसा भी लूटा उसने हमारा ईमान भी लूटा उसने हमारा दीन भी बर्बाद किया कोई कह रहा है कि फ़ला चीज़ पहन लो कोई कह रहा है इसको दफना दो कोई कह रहा है कीड़े ठोक दो कोई कह रहा है ये अमल कर लो सारी चीज़ें और जो हम तहकीक कर सके गूगल से या सोशल मीडिया से या इंटरनेट से जो भी हम सर्फिंग कर सके बगैर किसी उस्ताद के बग़ैर एक हमें एक पैटर्न मिले हाँ भाई ये चीज़ सीखनी है हमने ताकि हम अपने घर वालों को और अपने आप को और अपने बच्चों को बचा सकें अगर कारोबार नहीं हो रहा बंदिश का ख्याल आता है हमें पता चल जाए कि वाकई बंदिश है भी या नहीं कि मैं तो अपना काम करूं और एक एक्सट्रीम हमने देखा है कुछ लोग इसका टोटली इनकार कर देते हैं मानते ही नहीं इस चीज को और वो माने भी क्यों माने भी क्यों क्योंकि इन टॉपिक्स ने हमें दिया क्या है सिवाय गुमराही के सिवाय डर के सिवाय हमारी जिंदगियों को तबाह करने के इन टॉपिक्स ने हमें दिया क्या है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है इन चीजों को एक्सेप्ट करना बिल गईब तो ईमान का सबसे पहला हिस्सा है कि हम उस चीज पर ईमान लाएं हम अल्लाह पर ईमान लाएं अल्लाह की मखलूकत पर ईमान लाएं जो हमें दिखती नहीं है तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने एक कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं ये कोर्स हम इसलिए लेकर आए हैं आपको ताकि आपको सही नॉलेज फराहम की जाए ताकि आपको मजीद गुमराही से बचाया जाए ताकि आपको जो हमारा जो अल्टीमेट दुश्मन है जो इविल है, जिसे हम इबलीस कहते हैं इबलीस ने अल्लाह ताला से पांच वादे करे पांच जगह उसने अल्लाह से कहा अल्लाह मैं ये करके ही रहूंगा तेरी मखलूक के साथ लहतिकता हो मैं इसको गुमराह कर दूंगा ला अल्लाह मैं इसको गुमराह कर दूंगा दुनिया इसको मुजयन करके दिखाऊंगा ग्लोरीफाई कर दूंगा इसकी दुनिया को मैं अल्लाह मैं इसके दाएं से आऊंगा बाएं से आऊंगा इसको मैं तंग करूंगा अल्लाह मैं तेरे रस्ते में बैठ जाऊंगा तेरे सीधे रस्ते में अल्लाह मैं तेरे सीधे रस्ते में बैठ जाऊंगा अल्लाह ने भी कहा कहाबादी सुल्तान जा तुझे छूट दी तू जो कर सकता है कर ले व शारखिलउ माल में घुस जाए इसके औलाद में घुस जाए इसके जो कर सकता है कर ले जब बच्चा पैदा हो इसको मार मैं तुझे ताकत दी वस वसे डाल इन मजरदम इसके खून में शामिल हो जा लेकिन है याद रखना मेरा बंदा बहुत कमजोर है कमजोर जिसम का मालिक है कमजोर ईमान का मालिक है उसका ईमान कमजोर उसका जिसम कमजोर उसकी जान कमजोर उसका इल्म कमजोर लेकिन अल्लाह ने एक बात ऐसी कही जो हम मोमिन को हम मुसलमानों के लिए काफी है कि अल्लाह ने कहा इन्ना इबादी लई सल सुल्तान मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चल सकता लेकिन इस बिम, अगर ये बीमारी अगर ये मामला किसी के साथ हो जाए तो क्या अल्लाह तला ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया क्या अल्लाह तला ने हमें सॉल्यूशंस नहीं बताए कि हम अपने माइंड के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकें हम इस पजल्स को सॉल्व कर सकें क्या वाकई मेरे साथ कोई बंदिश का मसला है क्या वाकई मेरे साथ कोई जिन्नाती मसला है या कोई साइकोलॉजिकल इशूज हैं क्या वाकई मुझे जो ये ख्वाब आ रहे हैं या अल्लाह की तरफ से कुछ सिग्नल्स हैं या फिर कोई शैतानी हरकत है तो इस कोर्स के अंदर इस कोर्स के अंदर हम आपको ये जरूर बताएंगे कि क्यों हमारी एक जंग चलती हुई आ रही है आदम सलाम के आदम सलाम से लेके कयामत होने वाले आखिरी इंसान की पैदाइश तक हमारी शैतान से एक जंग चलती भी आ रही है और वो क्यों चलती भी आ रही है और उस जंग में हमारा कितना नुकसान होना है और हमने उस जंग में उतरना है या नहीं उतरना तो अगर हम जाते हैं उस जंग के अंदर तो हमने अपनी प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है अगर हम किस तरीके से अपने बच्चों को नजरेबद बच्च से बचा रहे किस तरीके से अपने आप को नजरेबद से बचा रहे किस तरीके से अपने कारोबार को बचाना है किस तरीके से अपनी जान की और अपने माल की हिफाजत करनी है और अगर कोई मसला हो भी जाता है तो सबसे बड़ी बात हमने इलाज किससे करवाना है किसके पास जाए इलाज करवाने सैकड़ों वॉल चौकिंग हुई हुई है फला बंगाली फला आमिल फला पीर फला जगह लेकिन नबी अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज किस तरीके से बताया वो हम जानते नहीं है अल्लाह ने कुरान में फरमाया शैतान शैतान तुम्हारा दुश्मन है दुश्मन फत तखे मेरे बंदो उसको भी तुम दुश्मन कंसिडर करो उसको भी तुम अपना दुश्मन कंसिडर करो ऐसा नहीं है कि अगर तुम उससे दुश्मनी नहीं लोगे तो वो तुम्हें तंग नहीं करेगा वो तुम्हें ज़रूर तंग करेगा तुम्हें सुबह शाम तंग करेगा तुम्हारे माल में शामिल हो जाएगा तुम्हारे घर में आ जाएगा तुम्हारे रिश्तों में आ जाएगा हम पढ़ते हैं सूर्य बकरा की आयतर मियाँ और बीवी के दरमियान तफरीक डालता है अचानक मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है जुदाई हो जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अल्लाह की बरकत खत्म हो जाती है दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते और ये मियाँ बीवी अलग नहीं होते खाली बल्कि दो खानदान अलग हो जाते हैं बनी आदम की एक नस्ल रुक जाती है अल्लाह की नेमतें रुक जाती हैं कि वो दो मियाँ बीवी को नहीं बल्कि दो खानदानों को लड़वाता है दो रिश्तों को बर्बाद करता है दो घरों को बर्बाद कर देता है लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम सीख लेते कि अल्लाह ताला ने जब उसकी चालों के बारे में बताया है जब उसके मकायद के बारे में बताया है जब उसकी डिसेप्शन के बारे में बताया है तो क्या हमें इलाज नहीं बताया होगा क्या हमें प्रोटेक्शन नहीं बताई होगी और क्या वो प्रोटेक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि आम आदमी उसको समझ नहीं सकता कि हम किसी के पास इलाज कराने जाए और वो ये कहे कि आप नहीं समझ सकते इन चीजों को भाई क्यों नहीं समझ सकते क्या कुरान उस शख्स के लिए अलग है और मेरे लिए अलग है क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग है नहीं यकीनन कोई बात तो ऐसी है जो गलत है जो लोग हमें बताने से कासिर हैं क्योंकि अगर उन्होंने हमें वो बात बता दी तो हमें पता चल जाएगा वो धोखा दे रहा है अगर हमें वो बात बता दी तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पैसों पे उसकी नजर है अगर उसने हमें बात बता दी तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी दुकान बंद हो जाएगी तो सही इलाज और सही मालिज और सही तरीका इलाज किस तरीके से होता है इनशाला जो जिन जिन ब्लैक मैजिक है जो इनशाला स्टार्ट होगा जिसकी फर्स्ट क्लास नेक्स्ट वेडनसडे को होगी एट टू नाइन पी उसमें हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे उसमें उस, उस कोर्स के अंदर वो सारी डिटेल्स बताएंगे फिर उसके अलावा अगर एक इंसान के साथ कोई रूहानी मसला हो जाता है या इंसान के साथ कोई नफ्सियाती मसला हो जाता है या उसके साथ उसके कारोबार के अंदर कोई बंदिश हो जाती है या उसके रिश्तों के अंदर कुछ मामला खराब हो रहे होते हैं तो उसको डायग्नोस किस तरीके से करना है उसकी सिम्टम्स क्या है वो भी हम आपको बताएंगे हम समझते हैं कि इन बीमारियों को डायग्नोस करना या इन बीमारियों को समझना या इन बीमारियों की तशखीस करना बहुत कोई रॉकेट साइंस है नो इट्स वेरी इजी बहुत आसान है आप समझे चमकते हुए सूरज की तरह रोशन है इसको इसको पहचानना कि क्या मेरे साथ कोई रूहानी मसला है या नहीं है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो ये है कि हमारे साथ जो सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है हमें किसी ने सही आगाही नहीं दी लोग जानते थे लेकिन लोगों ने बताया नहीं लोग जानते थे वो हदीसें इसीलिए अलमिद्रा इंस्टीट्यूट ये कोर्स लेकर आया आपके लिए ताकि हम आप लोगों को सिखा सके और ये मत कहिएगा कि आपके साथ ये मसला नहीं है ये मत कहिएगा कि आपके अजीज व वकारीब में ये मसले नहीं है आप ये मत कहिएगा कि आपने लाइफ के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी अगर आप ये कहेंगे कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मेरे आसपास में कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया या मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ या मेरे दोस्तों के साथ कोई मसला नहीं हुआ तो मेरे भाई और मेरी बहनों या आप लोग अपने आप से झूठ बोल रहे हैं ये मसला हर किसी के साथ होता है क्योंकि ईमान का हिस्सा है दुनिया के अंदर कोई भी नेक इंसान ऐसा नहीं है जिसको शैतान तंग ना करे कोई भी ऐसा नहीं है कि शैतान उसकी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर ना करे चाहे वो मर्द हो या औरत हो नमाजी हो मुतकी हो परहेजगार हो बल्कि उसने तो अल्लाह से ये कहा था लाक उदन न सरा तकल मुस्तकीम अल्लाह जो तेरा सीधा रास्ता है ना सीधा रास्ता उस सीधे रास्ते के अंदर मैं बैठूंगा फलमा कफरा वकाल शैतवान बल्कि सूर हशर में एक आयत आती है इंसान से कहता है कमर कुफुर कर, कुफुर कर। से है और कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ मैंने तो सिर्फ एक तुम्हारे दिल के अंदर एक वसवसा डाला था जवाब तो तुमने दिया था फला तलुमू नी बलूमो मुझे मलामत ना करो अपने आप को मलामत करो अलफ से जब तुम ली जवाब तो तुमने दिया था क्या मैंने तुम्हारे हाथ पकड़े थे क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती धक्का दिया था लेकिन उसका वो वसवसा उस वसवसे के अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे पैदा हुई कि मैं गुमराह हो गया उस वसवसे के अंदर वो ताकत कैसे आ गई कि मैं गुमराह हो गया उस वसफसे के अंदर वो स्ट्रेंथ कैसे आ गई कि मैं अपने हाथ पाओं को और अपनी नफसियात को और अपनी शाहवतों को रोक नहीं सका कि मैंने गुनाह कर दिया मैंने गुस्सा कर दिया अपने के ऊपर मैं अपने दिल में अपने जज्बात को काबू नहीं रख सका कि वो शैतान गालिब आ गया मेरी शख्सियत के ऊपर और उसके बाद भी वो कयामत वाले दिन यही कहेगा फला तलूमोनी वलु मुझे मलामत ना करो अपने आप को मलामत करो क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें क्या किया था मैंने सिर्फ तुम्हें वस डाला था हम सब जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक बनी आदम पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक करीन भी पैदा होता है उसके साथ उसका एक करीन होता है एक जिन होता है जो उसको बुरे ख्याल डालता है देखिये नबी अक्रम सल्लम की कितनी हदीसें हैं कि जब तुम खाना कहो तो बिस्मिल्ला कहो वो तुम्हारे साथ बैठकर खा रहा होता है अल्लाह का नाम लो जब तुम अपने जिस्म से कपड़े अलग करो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो जब तुम अपने घर से निकलो तो कहो बिसमिल्ला तोल तो क्योंकि वो इंतजार में होता है कि किस तरीके से वो तुम पे झपट ले और किस तरीके से तुम्हारे काम खराब कर दे और किस तरीके से तुम्हारी डीलिंग्स खराब कर दे अल्लाह के रसूल ने ये दुआएं क्यों बताई हैं ताकि हर मौके महल पे हम उससे हिफाजत कर सके और अगर बिलफर्स अल्लाह ना करे अगर वो हमारी की वजह से हमारी ना एहली की वजह से हमारी प्रोटेक्शन ना होने की वजह से अगर वो हमारी बॉडी को पजिस्ट कर ले या हमारी बॉडी को तंग करना शुरू कर दे या उसको एक्सेस मिल जाए उलू फोल्ड जो उसको पता होते हैं। जो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेगा उसे शाम तक कोई जिन तंग नहीं कर सकता तो कहाँ जाएंगी ये हदीसे जिन तंग करने वाली और ना करने वाली वॉशरूम में दुआ पढ़ने वाली घर से बाहर निकलते हुए दुआ पढ़ने वाली कपड़े चेंज करते हुए दुआ पढ़ने वाली खाना खाते हुए दुआ पढ़ने वाली यह हदीसे कहाँ जाएंगी ये हदीसे और ये दुआएं तो इसीलिए है ताकि हम उसकी शर से बच सकें इस कोर्स के अंदर सबसे पहली चीज आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि हमारी दुश्मनी क्या है जो लोग ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं और जो लोग अभी भी मुझे सुन रहे हैं उनको भी आ, मेरा यही मशवरा है कि लाइफ में एक मरतबा इस को कोर्स सिर्फ एट 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 को ज्वाइन कर लेट आवर्स ओनली एट आवर्स एट सेशंस वेनेसडे और थर्सडे रात को आठ से नौ टाइमिंग का इशू है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा और अगर कोई ये समझता है कि ये कोर्स करने से या जिन्नात के बारे में बात करने से या जादू के बारे में बात करने से या फिर नजरे बद के बारे में बात करने से कि हमारे साथ कोई मसला हो जाएगा तो मेरे भाई मैं आपके सामने बैठा अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्स की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ले इबलीस खुद क्यों ना आ जाए जमीन के ऊपर उसको तंग करने के लिए अपने तखत से उठकर जिसको अल्लाह रखना चाहे उसको कौन रखेगा अल्लाह ने कहा आमनु फी जो होते हैं वो अल्लाह की राह में लड़ाइया करते हैं वह कफरफी सभी और जो कुफर करते हैं जो काफिर होते हैं वो तो ताबुत के लिए लड़ाइया करते हैं शयातीन के लिए लड़ाइया करते हैं अल्लाह ने कहा शैतान एग्रेसिव, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, फ्रंट फुट, लड़ाई करो इनके साथ, क्यों ये जब तुम आगे बढ़ोगे अल्लाह का नाम लेकर जब तुम आगे बढ़ोगे और इनसे लड़ाई करोगे जब तुम मेरी बताई हुई प्रिकॉशंस को फॉलो करोगे जब तुम मेरे बताए हुए हथियार को इन पर चलाओगे जब तुम मेरे नबी के बताए हुए तरीकों को अपनाओगे और तब तुम इनसे मैदान जंग में उतरोगे एक मोमिन और और एक मुत्तकी और एक परहेजगार होने की हैसियत से याद रखना शैतानी अल्लाह कमज़ोर कर चुका उनकी चालों को कमजोर कर चुका हम खुद नहीं लड़ सकते हम मानते हैं लेकिन अल्लाह का कुरान तो है कुरान तो है अल्लाह का लड़ाई करने के लिए तो जो लोग ये समझते हैं कि जिन्नात को लेके या जादू को लेके या फिर नज़र बद को लेके वो डाउटफुल है कि वाकई ये चीज़ होती भी है या नहीं होती तो बिल्कुल हम एक बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको मौका भी देंगे आपको समझाएंगे भी आपको वो प्रूफ्स भी देंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इस मखलूक को पैदा किया अल्लाह ताला ने पूरी हिस्ट्री बताई इसकी किस तरह अल्लाह ने उसको पैदा किया क्या अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिए क्या उसकी बाउंड्री लाइन्स हैं किस तरीके के वो इंसान की जिंदगी के अंदर इंटरफेयर करता है और वो कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर जिन इंसान की बॉडी को पोजिस कर ले या फिर उसके मामला में दखल अंदाजी शुरू कर दे तो हमने उसको ट्रीट तो दूर की बात है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी हमें ऐसा लगता है हमें एक बड़ी फॉल्स डिपिक्शन दी गई है फॉल्स डिपिक्शन बहुत फॉल्स डिपिक्शन दी गई है बहुत झूठ बोला गया हमारे साथ मूवीज के अंदर नॉवल्स के अंदर नॉवेल्स के अंदर कॉमिक्स के अंदर कि अगर अल्लाह ना करे एक इंसान के ऊपर अगर जिन आ जाए तो हमारे माइंड में क्या आता है क्या आता है हमारे माइंड में अगर एक इंसान के ऊपर जिन आ गया उसका चेहरा बिगड़ जाएगा उसकी वीन्स जो उसकी रगे नजर आनी शुरू हो जाएंगी उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाएगा उसके बाल लंबे हो जाएंगे उसके पाव उल्टे हो जाएंगे अजीब कॉन्सेप्ट है कि पाव उल्टे हो जाएंगे वो आ, हवा में उड़ने लगेगा उसको चेन से बांध देंगे, उसमें दस लोगों की ताकत आ जाएगी वो यूं उठा के फेंक रहा होगा पूरे घर वालों को ये बातें ये फॉल्स डिपिक्शन ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा हाँ ख्वाबों में जरूर होता है जब हम सो जाते हैं तो ख्वाबों में जरूर हमें ऐसी चीजें नजर आ रही होती हैं या फिर हम जब एक जब एक नींद में जा रहे होते हैं जब जागने से जब हम नींद में जा रहे होते ना ही हम मुकम्मल तरीके से जाग रहे होते और ना ही हम मुकम्मल सो रहे होते हम जब एक बिल्कुल मिडिल कंडीशन में तब हमें शायद कुछ इस तरीके के मामला नजर आ जाए लेकिन इन रियलिटी रियल में अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा अगर कोई मसला हो जाता है जादू का या बंदिश का इट्स नॉट अ बिग डील डरने वाली क्या बात है जिसके साथ अल्लाह है मोमिन को तो डरने वाली बात ही नहीं है तो बिल्कुल कुछ मामला बस उसके खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि जिस तरह मैं बैठा हुआ आपके साथ और आप भी बैठे हुए हैं बस आपको समटाइम्स एक बहुत एक्सट्रीम और बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाएगा बहुत एक्सट्रीम आप कहें पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है बैठे बैठे आपको रोना आना शुरू हो जाएगा बोले पता नहीं मुझे एकदम विदाउट एनी रीजन कोई रीजन ही नहीं है मुझे रोना आ रहा है जब भी आपको एक बहुत एक्सट्रीम वस व्यालात आने शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा ख्याल और से आने शुरू हो जाएंगे इतने एक्सट्रीम लेवल लेटा है हाँ अगर आपने कोई हॉरर मूवी देख ली या फिर आपने कोई इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली तो फिर आपको एक सकेट्रिस्ट की जरूरत है लेकिन आप बिल्कुल एक स्टेबल माइंडसेट के आदमी है स्टेबल माइंडसेट के आदमी हैं आप ज्यादा वहम नहीं होते हैं आपको ज्यादा आप सोचते नहीं है आपके साथ ये मसले होना स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहला प्रोटोकॉल ये है आपको या आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पेन स्टार्ट हो जाए डॉक्टर आपसे पूछे आपको कहां दर्द हो रहा है आप बोले आई डोंट नो बस देर इज अ पेन आई कैन नॉट एक्सप्रेस एक दर्द है ऐसा इसको मैं बता नहीं सकता बस एक भारीपन है मेडिसिंस <laughs> भी ले ली पेन किलर्स भी ले लिए क्रीम्स भी लगा ली एम आर आई भी करा लिया ब्लड टेस्ट भी करा लिया एवरी फाइन। आखिर में डॉक्टर्स आपको यही कहेंगे कि आपको शायद हो रहा है। यू हैव टू टेक द आपको छुट्टियों पे जाना चाहिए छुट्टियों भी चले गए, दिल भी लगा लिया सब जगह पे सब कुछ हो गया लेकिन वो एक वसवसे की कैफियत वो बॉडी का पेन बॉडी में एकदम एबनॉर्मल टेम्परेचर एकदम गर्म और एकदम ठंडी एकदम अजीब से स्टार्ट हो जाए कि आग करे चीजें नजर आनी स्टार्ट हो जाए आप कहें मैं किस तरीके से मैं बिलीव कर सकता हूं इन चीजों के ऊपर आप बिल्कुल सिंपल होंगे सामने देखने वाले को आप बिल्कुल सही नजर आएंगे लेकिन आपके अंदर पूरी एक दुनिया होगी आपके अंदर पूरी एक परसेप्शन एक डेवलप हो रहा होगा पूरा एक तस्वुराती एक दुनिया होगी आपके माइंड के अंदर माइंड अलग तरीके से काम कर रहा है बॉडी पे अलग निशानात आ रहे हैं ब्रूजेस आ रहे हैं दिल में अलग जज्बात हो रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम शाहवत है बेहयाई आपके माइंड के अंदर पर है आपको वस और उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं आप रोक नहीं पा रहे हैं सो रहे हैं जाग रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी ने बॉक्स खोल दिया ख्यालत को और कोई आपके माइंड के अंदर फीड कर रहा है तो सिम्टम्स पे और भी बहुत सारी बात हो सकती है और बहुत सारे सिम्टम्स है इसके और बहुत इजीली इसको डायग्नोस किया जा सकता है और ये कोई ऐसा इल्म नहीं है मेरे भाइयों और मेरी बहनों जिसके सीखने से हमें कोई नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये अल्लाह के रसूल ने बताया ये अल्लाह ताला ने बताया अल्लाह के रसूल ने एक बच्चे को देखा और उससे पूछा क्या हुआ इसको क्या हुआ इसको उन्होंने कहा कि इसको इसको भूख नहीं लग रही खाना नहीं खा रहा अल्लाह के रसूल ने कहा इसको नजर है इसको नजर है ट्रिट है दम करो इसके ऊपर दुआ पढ़ो इसके ऊपर रुखिया करो इसका दम करे इसके ऊपर तो वो कौन से सिम्टम थे जो नबी कर ने देखकर पहचान लिए कि उसको नजर लगी हुए देर आर सिम्टम्स बहुत सारी ऐसी चीजें फिर जो दूसरा फेस आता है जादू की हिस्ट्री और मूसा सलाम का किस्सा सुलेमान सलाम का किस्सा कि इस वाक़े की कुरान के अंदर जो ये वाक डिस्कस हुआ है सुलेमान सलाम का इसकी क्या हकीकत है कि व तबाउ मातयातीन अला मुल्क सलेमान सूर् बकरा की आयत है वर्ष नंबर वन जीरो सलेमान की बादशाहत के अंदर जिन्नात जो शयातीन जो तिलावत करते थे जिसकी लोगों ने इतब करी वो तो शयातीन की तिलावत थी वो सलेमान थोड़ी थे वबा कफ़र और सलेमान सलेमान ने थोड़ी कुफर किया था बोला किन न शयात न कफर लेकिन वो शैतान थे तो किस चीज़ की तिलावत होती थी क्या इल्ज़ाम था यहूदियों का सलेमानसलाम के ऊपर वो पूरी हिस्ट्री अल्लाह ताला ने बताई है उसके अलावा इस कोर्स के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है यानी कि हमने इलाज किस तरीके से करवाना है अगर आपको अब देखिए मैं आपको जब सारे उसूल दे दूंगा और सारी चीजें इफ एंड बट्स अगर मैं आपको समझा दूंगा मैं आपको सारी वो इलमी नॉलेज अगर मैं दे दूंगा तो आप खुद केपेबल हो जाएंगे कि कौन सही इलाज कर रहा है और कौन गलत इलाज कर रहा है कौन क्या इसको सेल्फ ट्रीट भी किया जा सकता है क्या ख़ुद से हम अपना इलाज कर सकते हैं या फिर हमें किसी के इलाज की ज़रूरत है या हमें किसी मालिज की ज़रूरत है तो इलाज के अंदर हमें किस किस तरीके से इलाज करना है वो कौन सी चीज़ें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं वो कौन से मुजर्रबात हैं वो कौन सी एक्सपीरियंसेस हैं जिस जिसको ने ज़िक्र किया है वो कौन सी क़ुरान की आयात हैं वो कौन से वजायफ हैं वो कौन सी दुआएं हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी हो और हम हमें उससे फायदा हो जाए हम लंबे चौड़े वजीफे पढ़ते रहते हैं तीन हजार मरतबा सात हजार मरतबा एक लाख मरतबा पढ़ते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता क्या अल्लाह के रसूल ने यह इलाज बताया हमें अब आप देखें एक सहाबी आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पेट में बहुत तकलीफ है मुझे समझ में नहीं आता मेरे पेट में क्या हुआ है बहुत तकलीफ है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मेरे क्या करूं मैं अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को तो शहद रेकमेंड कर दिया यू शुड ईट हनी क्योंकि फी ही शिफा उल्स कुरान में उसके बारे में बताया कि उसमें शिफा है लेकिन एक सहाबी को यह कहा कि अपना सीधा हाथ रखो जहां पे तुम्हें दर्द है जहां तुम्हारे सीने में या पेट में तुम्हें दर्द है पुट योर राइट हैंड अपना सीधा हाथ रखो एंड से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला तीन मरतबा चला जाएगा तो शहद क्यों दिया और वो दूसरे को ये दुआ क्यों बताई तो उसमें क्या हिकमत थी क्या वजह थी तो दोनों को देखना पड़ेगा तो जब हम ये चीज सीखेंगे तो हम खुद अब मुझे बताएं क्या ये दुआ पढ़ने के लिए क्या हमें किसी आमिल की ज़रूरत है क्या यह दुआ पढ़ने के लिए हमें किसी आलिम की ज़रूरत है क्या यह दुआ पढ़ने के लिए हमें कोई बहुत कोई मुतकी और परहेजगार होना पड़ेगा नहीं अगर आप याद रखिएगा अगर कोई भी रूहानी या जिस्मानी मसला हो मेडिकल मसला हो या साइकोलॉजिकल मसला हो या कोई स्पिरिचुअल मसला हो उसका इलाज जो होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बस एक डिस्पेंसरी में खड़े में दवाइयों की दुकान में खड़े में और आप कोई भी दवाई खा लें कोई भी दवाई खा लें और आपका इलाज हो जाए ऐसा नहीं होता क्या हमारी मेडिकल साइंस में ऐसा है कि आप दुकान पे खड़े हो और डॉक्टर बोले बस कोई भी दवाई खा लो नहीं अगर आपको कोई थ्रोट इंफेक्शन है तो उसकी दवाई दी जाएगी अगर आपको कोई और मसला है तो उसकी दवाई दी जाएगी इसी तरह रूहानी मसले में भी है अगर इलाज के अंदर एक्यूरेसी होगी अगर तीर निशाने पे लगेगा अगर सही बीमारी का अगर बीमारी को सही तरीके से रेकग्नाइज करके उसकी पहचान करके उसकी शनाख्त करके सही दुआ दी गई सही तरीका इलाज बताया गया तब जाके वो चीज एक अल्टीमेट उसको शिफा मिलेगी एक अल्टीमेट उसका इलाज होगा क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यही फरमायालीमा हूँ मैंने आलिमा हूँ जही मन जही जिसने उसके इलाज को तलाश कर लिया उसने इसके इलाज को तलाश कर लिया बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे अलहमदिल्ला को डिस्कस कर चुका हूं और यकीन जाने इसको सीखने के बाद इस कोर्स को करने के बाद सही नॉलेज लेने के बाद इसमें हम कोई आपको जादू करना नहीं सिखाएंगे और नहीं आपको कोई जादू टोना सिखाएंगे या ताबीज बनाना सिखाएंगे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी आ, लोग अक्सर ये समझ जाते हैं कि हम कोई जादू करना सिखाएंगे ये करेंगे नहीं नहीं नावजुबिल्ला ये तो बहुत ही कफुर का काम है अल्लाह ताला हमें ऐसे सख्त फितने से महफूज रखे बल्कि हम तो ये बताएंगे कि हमें अगर किसी के साथ ये मसला हो जाता है तो हमें सही डायरेक्शन कहाँ से मिलेंगी हम उसको खुद समझ भी सकते हैं या नहीं सकते क्या हमारे साथ क्या हमारे साथ क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस चीज को सीख सकें और समझ सकें क्या अल्लाह ताला ने ये कुरान के अंदर जो ूम है जो इल्म है क्या अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए उतारा है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए उतारा है ये इल्म याद रखिएगा दीन का कोई भी इल्म ऐसा नहीं है शरीयत का कोई भी इल्म ऐसा नहीं है जो मैं सीख सकता हूं और आप नहीं सीख सकते अगर कोई ये बोले बेटा हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो तुम नहीं सीख सकते तो उसको बोलें कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना दे क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो फिर यह कुरान और सुन्नत का इल्म ये गलत इल्म है और हमने देखा है अपनी लाइफ में लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं हाउ टू कैच अ जिन जिन्नात को किस तरह काबू करें लोग अक्सर ब्राउज करते हैं कि वो तीसरी आंख खोलने का तरीका लोग अक्सर ये सर्च करते हैं कि जिन्नात को कैसे काबू करें रूहों को कैसे काबू करें तो मेरे भाई जब आप शरीयत के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तब तो आपके साथ कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप उस लिमिट से एक करेंगे अगर आप अल्लाह ने जो बाउंड्रीज बताई हैं अगर आप उन बाउंड्रीज से बाहर निकलेंगे तो अल्लाह ताला भी फिर आपकी मदद नहीं करेगा फिर अल्लाह ताला भी आपको अल्लाह ताला भी फिर आपकी हिफाजत नहीं करेगा क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपका जिस चीज़ के ज़रिए जिस सुन्नत के ज़रिए आपकी ज़िम्मेदारी का अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली है आपकी हिफाजत की तो मुझे आप ये बताएं जब आप अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकलेंगे जब आप अपनी अक्ल और अपनी नफसियात और उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ेंगे जो अल्लाह ने कहा कि लातकद्दम बन रही व रसूली अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो तो मुझे आप ये बताएं आप खुद अपने करेंगे। तभी तो आपको ये कहता है सामने वाला हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो तुम नहीं सीख सकते है। तो मेरे भाई यकीन गैर इल्म है यकीनन उसके पास कोई ऐसा इल्म है जिससे वो अपनी नफ्सियात अपनी जान अपनी औलाद सबको हलाकत में डाल रहा है जिसमें वो अपना अपने बच्चों का अपने घर वालों का नुकसान कर रहा है लेकिन अगर हम हमें अगर सही गाइडेंस मिल जाए अगर हमें सही गाइडेंस मिल जाए मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ अगर हमें सही गाइडेंस मिल जाए तो फिर अल्लाह की हिफाजत हमारे साथ है जब जिसके साथ अल्लाह की हिफाजत हो जिसके साथ अल्लाह की हिफाजत हो अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है सुम्मा जुनूदन लम रसूल सुकून, अल्ला नाजिल है के दिल पर। और अल्लाह अपने दो आंखें ऐसी अल्लाह तौजे उतार देता है हमारे लिए माशादुल्ला मेरे उस्ताद उस्ताद वकी अली जो कि के लाहौर कैंपस में होते हैं अलमिद्रा इंस्टीट्यूट के और शेिफ अहमद उस्ताद वकी अली ने मुझे ये बातें सिखाई उस्ताद वकी अली ने मुझे ये सिखाया उस्ताद वकी अली ने मुझे मैंने जो इनिशिएटिव लिया इस फील्ड के अंदर उस्ताद वकी अली की वजह से लिया ही इज़ माई गुड फ्रेंड एंड ही इज़ माई टीचर ऑल्सो और भी बहुत सारे लोगों से मैंने ये चीज़ों को डिस्कस किया व लमाओं से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे हौसला दिया कि बेटा आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं लेकिन उन्होंने मुझे एक नसीहत करी कि लोगों को आप सच्ची बात बताएं, लोगों को आप सही बात बताएं लोगों को आप अल्लाह से करीब करें और बुराई से दूर करें तो जब हम जब हम सही चीज पर और सही बातों पर और सही इलाज को पहचानेंगे जो एक एक बात हदीस के मुताबिक है तब शैतान किया दुनिया की कोई ताकत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है और हमने अल्लाह के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा है हमने अल्लाह ने जो हमें जो अल्लाह ने जो हमें तकवायार करने को कहा है उसका हमने ख्याल रखा है तकवा इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग योर सेल्फ यानी कि हमने हमने हर वो बातिल काम हर वो हराम काम उससे दूर रहना है अल्लाह फरमाता है व तकुल्ला वहीकल्ला तुम अल्लाह से डर जाओ हर बात के ऊपर अपने दिल के अंदर अल्लाह लियो कि अगर मैं ये काम करूं अल्लाह तो नाराज नहीं होगा मैं ये काम करूं अल्लाह तो नाराज नहीं होगा तुम अपने हर काम में अल्लाह को बड़ा बना लो जब तुम ये काम करोगे और अल्लाह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करोगे तुम्हारे रिस्क में भी बरकत होगी तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी तुम्हारे माल में भी बरकत होगी तुम्हारी औलाद में भी बरकत होगी तुम्हारे रिश्तों में भी बरकत होगी तुम्हारे जिस्म में भी बरकत होगी तुम्हारी रूह के अंदर भी बरकत होगी लेकिन शर्त क्या है शर्त यह है कि सही मालूमत हमें मिल जाए वो मालूम जो नबी ने हमें बताई है वो मालूम जो अल्लाह ने हमें बताई है ना कि ऐसी जगह से मिले जो बोले नहीं तुम नहीं सीख सकते हमारे पास ऐसा इल्म है इस इल्म को सीखने के बाद ये को, ये इस इल्म को सीखने के बाद या इसकी जो शनाख्त है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है जो इसकी जो डायग्नोसिस है और हम आपको ये भी बताएंगे कि साइकोलॉजिकल मसला जो होता है या कोई मेडिकल मसला जो होता है उससे हम किस तरीके से डिफ्रेंशियट करते हैं एक स्परिचुअल मसले को और साइकोलॉजिकल या मेडिकल मसले को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं मैं उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा मसला साइकोलॉजिकल है या मेडिकल से ताल्लुक़ रखता है और कौन सा मसला स्परिचुअल spiritual है स्परिचुअलिटी से ताल्लुक़ रखता है और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इसका इलाज सिर्फ दुआओं से ही होगा या दवाएं दवा की भी जरूरत होती है या इस्बाब की भी जरूरत होती है या मेडिकल इलाज के अंदर दुआएं कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए क्या दुआएं जरूरी होती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर या उसका भी इलाज नहीं होता या उसकी कोई जरूरत नहीं है इस फील्ड के अंदर ये भी हम आपको इनशाला इसमें बताएंगे तीसरा इसका इलाज किस तरीके से करना है क्या हम इलाज कर सकते हैं एक तो हम इलाज किस तरीके से करें और लास्ट के अंदर लास्ट में जो एक मालिज होता है जो राखी होता है या कोई आम इंसान होता है उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको अपनी प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है क्या उसको प्रोटेक्ट करने के अंदर कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है नहीं बहुत सिंपल सी बात है जो जो लोग पहले ये कोर्स कर चुके हैं या जो लोग हमसे काउंसलिंग करवा चुके हैं वो जानते हैं कि इट्स वेरी सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई आपने दो दो घंटे के वजीफे नहीं पढ़ने अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आप देखें बहुत छोटी सी बात है अगर आप सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें एक मरतबा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शाम तक उसे कोई जिन तंग नहीं कर सकता कोई शैतान उसको तंग नहीं कर सकता एक मरतबा आयतल कुर्सी आप लंबे चौड़े वजीफे कर लें लेकिन अगर आपने आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी तो फिर वो हदीस पर अमल नहीं हुआ और जो शख्स असर की नमाज के बाद पढ़ लेता है एक मरतब आयतल कुर्सी या मगरब की नमाज से पहले या शाम के वक्त पढ़ लेता है तो उसकी अगली सुबह तक फजर तक उसकी अल्लाह ताला हिफाजत करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब सोते तो दुआ पढ़ते आउ जब कलिमात मिन तिन मा खलक सुर अखलास सुर फल सुर नास पढ़ते बिस्तर झाड़ कर सोते ठीक है आयतल कुर्सी पढ़ते और वो क्या उनकी सुन्नतें हैं वो क्यों करते ये किस लिए है ताकि अल्लाह ताला दिन में रात में घर में बाहर खाना खाते हुए अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए तो ये कोर्स दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं मैं बहुत साल से बीमार हूं जादू टोने से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुरान पढ़ पढ़कर ठीक हूं माशाल्लाह जाक लग है तो देखें कोर्स की जो ड्यूरेशन है कोर्स के हवाले से मैं आप लोगों को डिटेल्स दे रहा हूं जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया मैं उनको रेकमेंड करूंगा प्लीज़ ये ज्वाइन करें इस कोर्स को सिर्फ एक में एक बार की बात है जस्ट एट आवर्स सिर्फ आठ आठ घंटे है सिर्फ आठ घंटे सिर्फ आठ घंटे वो अगर आपने अपनी जिंदगी के दे दिए तो आपकी लाइफ में बरकतें ही बरकतें होंगी आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है और किस तरह करना है कोई इसमें आपको मस्जिदों में वफ़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को दीन जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए है अल्लाह ताला प्रोटेक्शन आपको भी देता है मुझे भी देता है अल्लाह ताला प्रोटेक्शन एक गुनहगार को भी दे देता है बल्कि अल्लाह तो अल्लाह को तो पसंद है कि गुनहगार उसके पास है और माफ़ी मांगे और वो अल्लाह से मदद मांगे ये बात कहते हैं ना हम कि हमारा वो ईमान ही क्या हमारी वो जबानों में तासीर ही क्या ये बहुत गलत बात है अरे गुनहगार जब अल्लाह से मांगता है ना गुनहगार जब अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी बड़ी सुनता है क्योंकि उसके मांगने की कैफियत डिफरेंट होती है नेक आदमी की भी अल्लाह सुनता है ऐसी बात नहीं है नेक की ना सुने लेकिन गुनहगार अल्लाह को बहुत पसंद है कोई आदमी अल्लाह के पास आए और कोई आदमी अल्लाह के पास आए और उससे मांगे कोई आदमी अल्लाह के पास आए और उससे मांगे अपने गुनाहों का इजाला करे अल्लाह कहता है मई यज तक फिर वफाक फिर लो कौन है जो मुझसे कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे अपने गुनाह रखे मेरे सामने रोए मेरे सामने मैं उसको माफ़ कर दूँ इफतखार गिल का मैसेज आए हाउ टू डिफरेंशियट बिटवीन मैजिक एंड साइकोलॉजिकल इशूज़ जी इनशा इफतखार गिल भाई इस कोर्स के अंदर मैं डिटेल्स में बताऊँगा कि साइकोलॉजिकल और इस्परिचुल ईशूज को किस तरीके से डिफ्रेंश करना है बहुत वाज़े अंदाज में इंशाला

एवरी वेनजे और एवरी थर्सडे ये सेशन होगा एट टू नाइन पी एम और अगर कोई टाइमिंग्स की वजह से ये सेशन नहीं ले सकता तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर देंगे वो लाइफ टाइम रहेंगी रिकॉर्डिंग्स आपके पास जो कोर्स की जो स्लाइड्स हैं जो उसका जो कॉन्टेंट है वो भी आपके पास रहेगा अगर आप किसी को समझाना चाहें सिखाना चाहें मोस्ट वेलकम अगर आप खुद आप कहें कि आप ख़ुद उस कोर्स को आ, क्या कहते हैं आप कराना चाहें किसी को तो वो भी हम आपको दे देंगे कोई मसले वाली बात नहीं है तो इस कोर्स को ज्वाइन करें इस कोर्स को सीखें इस इल्म को इस इल्म को सीखें अल्लाह ताला के हमने अल्लाह ताला उसके रसूल की अहदीस को सीखें कि हमने किस तरीके से अपने आप को शैतान से और इन तबाह और इन हलाकत वाली चीज़ों से किस तरीके से अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ करना है और अगर कोई मसला हो जाए तो हमने किस तरीके से ट्रीट करना है हमने किस से इलाज करवाना है तो उम्मीद है इनशाला आप लोगों से मुलाकात होगी कोर्स के अंदर नेक्स्ट वेनजडे को पहली क्लास होगी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो कमेंट्स के अंदर इंटरेस्टेड लिख दें इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स अगर आपने सेशंस लेने हैं इंटरेस्टेड लिखते हैं इनशाला हमारी टीम आपसे जल्द जल्द कर लेगी और इन फिर आपसे जो है वो कोर्स में मुलाकात होगी जो भी आपके सवालत हैं जो भी कन्फ्यूजन्स हैं इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और काफ़ी मिस्ट्रीज़ जो हैं वह आपकी सॉल्व हो जाएंगी शैतान के बारे में जादू के बारे में और जन्ात के बारे में नजरबद के बारे में बंदिशों के बारे में एवरी थिंग तो इनशाला आपसे कोर्स में मुलाकात होगी السلام عليكم ورحمه الله وبركاته